देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं परवल है, आज परवल के भरवा बनाएंगे। तो किस छोटी वाली है, किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए दिखलाती हूँ छोटी छोटी। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको पूरी तरह से अंदर का जो है परवल का वो निकाल लेना है। कोई कोई मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो कटके हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ पर परवल तो मेरी कट हो गई है, यहाँ पर आप इस तरीके से आलू ले लें और आलू को इस तरीके से मैस ले थोड़ी सी इस तरीके से, आलू को इस तरीके से थोड़ी सी मैस ले ताकि आपके कढ़ाई में जाने के बाद आपकी जो आलू है वो मिसने में आपको देर ना हो। इस तरीके से आलू मिसा गया है थोड़ी सी हल्की सी, और चलिए कढ़ाई में इसको थोड़ी सी फ्राई करना है। और आलू के लिए ये देख सकते हैं ये जीरा है, ये प्याज है मेरी, ये लहसुन है, ये हरी मिर्च है, यही आलू के लिए मसाला है। उसके बाद इसका तरी के लिए अलग से मसाला मैं दिखाऊंगी कि आगे और इसके तरी के लिए क्या मसाला डालना है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है। जीरा डाल देना है, मिर्चे को डाल देना है, प्याज डाल देना है, और लहसुन डाल देना है इस तरीके से। थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा नहीं हल्की सी, देख सकते हैं इसको थोड़ी सी हल्की सी करना है सुनहरा। और आलू को डाल देना है इस तरीके से, जो आपने आलू मैश करके रखे हैं वो आलू को आपको डाल देना है। इसमें थोड़ी सी आप चाट मसाला डाल दें, चाट मसाला डालने से थोड़ी सी चटपटी हो जाती है। थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतना ही। उसके बाद आलू को भूनना है इस तरह से, और इस तरीके से आलू को देख सकते हैं इसको आलू को भून लेना है, क्योंकि ताकि आलू में आपके सोनापन आ जाए। आलू अगर नहीं भूनते हैं तो आपका सोनापन नहीं आएगा। आप कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू उतनी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। कच्चे आलू को भी जैसे कि आप उबाले और आलू को नहीं भूनते हैं तो भी आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे परवल के भरवे के लिए मसाले, यहाँ मिर्चा है, आप मिर्चा अपना अनुसार डाल सकते हैं, लौंग इलायची है, लहसुन है, जीरा है, काली मिर्च है, एक थोड़ी सी अदरक है, दो टमाटर है, और ये देख सकते हैं थोड़ी धनिया है, और ये तो परवल का बीज का पार्ट है जो इसी में मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसी मसाले में डालूँगी। तो इसी तरीके से आप बनाएं और वेस्ट कुछ भी ना करें, ना परवल, ना परवल के अंदर के पार्ट का कुछ भी नहीं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलिए मसाले को पहले पीस लेती हूँ, मिक्सी में पीसे या सिल्वर में पीसे, आपके पास जो भी है उसमें पीसे आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आलू हो गई है, अब इस तरीके से आलू देख सकते हैं ठंडा हो गई है, और आलू को आप इस तरीके से आप परवल के अंदर डाल दें, जिस तरीके से करवल करेला का बनाते हैं ना उसी तरीके से आपको इस तरीके से डाल दें। इस तरीके से आप भरते जाएं और कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं परवल जो है वो पूरी तरीके से मैं भर चुकी हूँ, और इसमें थोड़ी सी मुझे डीप करना है। चावल का आटा है तो चावल का आटा, और नहीं तो आप सूजी ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, और डीप इस तरीके से आपको करते जाना है और कढ़ाई में आपको डालते जाना है। इस तरीके से डीप करिए, इस तरीके से डीप करके आप उसको कढ़ाई में आप डालते जाए, सारा परवल को इसी तरीके से आप डीप करके डालते जाए।
तरीके से पूरी तरी सब जितना आपका परवल है सब डाल दें और धीमी आंच पर इसको थोड़ी सी पकने दें। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बीच में आपको इस तरीके से उलट पुलट कर देना है क्योंकि ज़रूरी है, एक तरफ से परवल पक जाएगी और दूसरी तरफ से नहीं पकेगी, तो आपको बीच में थोड़ी सी हल्की सी उलट पुलट करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से परवल जो है वो आपकी फ्राई हो गई है। इसको इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, आपकी परवल जो है वो निकल चुकी है। अब जीरा डाल दें, एक तेजपत्ता, कटी हुई प्याज, अब प्याज को थोड़ी सी हल्की सी आपको लाल कर देना है। यहाँ पर थोड़ी सी प्याज हल्की सी लाल हुई है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ी सी लाल हो गई है। और जो मैं मसाला पीस डाल दे इस तरीके से, इस तरीके से डाल दे। आप इसमें हल्दी डाल दे, नमक डाल दे, लाल काश्मीरी मिर्च डाल दे थोड़ी सी ताकि आपकी कलर आ जाए सब्जी, इस तरीके से। अब थोड़ी सी मसाले को इसको भुनना है, उसके बाद आपको दिखलाती हूँ कि क्या करना है। तो ये देख सकते हैं तेल मसाला जो है मेरी तेल छोड़ दी, इसका मतलब मसाला भुना गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि पानी डालना ज़रूरी है। और इसमें थोड़ी सी आप कसूरी मेथी डाल दें इस। तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरे तरी जो है वो बन गई है। अब इसमें सारा परवल को आप इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से। और कुछ नहीं, थोड़ा देर बस, कुछ भी नहीं करना है। दो मिनट के बाद खोलने दे और ऊपर से थोड़ी सी आप कसूरी मेथी और डाल दे। तो पाँच मिनट हो गई है, वाह देख सकते हैं मेरी परवल की भरवा सब्जी बनके तैयार है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देख सकते हैं किस तरीके